इस वीडियो में ज्यादातर तस्वीरें ब्लर की जाएगी क्योंकि इसके दृश्य विचलित करने वाले हैं। फैक्ट चेक के लिए जरूरी विजुअल्स का ध्यान रखकर हमने ये वीडियो बनाया है। 7 अक्टूबर से इसराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग के कई भयावह दृश्य इंटरनेट पर जमकर वायरल है। लोग अपनी निजी पसंद से इसराइल या फिर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में इसराइल सरकार ने 14 अक्टूबर को इस वीडियो के साथ ये तस्वीर ट्वीट की और दावा किया कि मरे हुए बच्चे की बताकर शेयर की गई ये तस्वीर असल में एक गुड़िया यानी खिलौने की है। इसराइल ने लिखा कि हमास ने गलती से एक गुड़िया का वीडियो पोस्ट कर ये दिखाने की कोशिश की कि ये IDF हमले में हुई मौत है। इजरायली एक्टिविस्ट यूसुफ हद्दाद समेत कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी यही दावा पोस्ट किया। कई भारतीय यूजर्स ने भी यही दावा पोस्ट किया है। तो क्या वाकई में वायरल वीडियो में दिख रहे बच्चे की लाश किसी गुड़िया यानी खिलौने की है? ऑल्ट न्यूज ने गेटी इमेजेस पर सर्च किया तो हमें ये तस्वीर मिली जिसमें वायरल वीडियो में दिखने वाले शख्स ने अपने हाथों में किसी बच्चे की लाश पकड़ी है। कैप्शन में इस तस्वीर को क्लिक करने का श्रेय AFP के फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद अबेद को दिया गया है। साथ ही कैप्शन में लिखा है, अंतिम संस्कार के दौरान कफन में लिपटे एक बच्चे को गोद में लिए एक फिलिस्तीनी व्यक्ति। 12 अक्टूबर 2023 को गाजा शहर में इसराइल और हमास संघर्ष के बीच लगातार 6th दिन भी भीषण लड़ाई जारी है। गेटी इमेजेस पर हमें मोहम्मद अबेद द्वारा खींची गई ये एक और तस्वीर मिली। इसमें भी वही शख्स हाथों में बच्चे का शव लिए बैठा है। कैप्शन में लिखा है कि 12 अक्टूबर 2023 को गाजा शहर में अल शिफा अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर इजरायली हवाई हमले के पीड़ित व्यक्तियों के शवों के पास लोग जमा हुए हैं। वहीं वायरल वीडियो में ऑल्ट न्यूज ने ये वाटरमार्क देखा जिसका मतलब है मोमेन अल हलाबी। छानबीन करते हुए मालूम हुआ कि मोमेन एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस घटना का ये वीडियो 12 अक्टूबर को पोस्ट किया था। ऑल्ट न्यूज ने मोमेन से कांटेक्ट किया। उन्होंने वायरल दावों का खंडन करते हुए बताया कि वीडियो में दिख रहा लड़का 4 साल का उमर बिलाल अलबन्ना था, जिसकी गाजा सिटी के ईस्ट में अल जैतून इलाके पर हुए हमले में मौत हो गई। उन्होंने ऑल्ट न्यूज को उमर की कुछ तस्वीरें भी भेजी। ध्यान दें कि 12 अक्टूबर को गाजा में अल जैतून पर इजरायली हवाई हमला हुआ था। मोमेन ने हमें मृत बच्चे का ये फुटेज भी भेजा और कहा कि इस बच्चे के पिता का पूर्व में देहांत हो गया था और वीडियो में बच्चे के शव को ले जाने वाले ये लोग उसके रिश्तेदार हैं। मोमेन द्वारा भेजी गई तस्वीर और वायरल तस्वीर को कंपेयर करने पर हमने पाया कि दोनों तस्वीरों में दिखने वाले शव के चेहरे पर एक जैसे ही निशान है। यानी इसराइल के ऑफिशियल एक्स यानी ट्विटर हैंडल द्वारा इस फिलिस्तीनी बच्चे के शव को गुड़िया बताने का दावा पूरी तरह से गलत है। ये बच्चा 4 वर्षीय उमर बिलाल था जिसकी 12 अक्टूबर को इसराइल द्वारा किए गए हवाई हमले में मौत हो गई थी।